गुरुजी बहुत शुक्रिया। पहले मैं जून में आई थी और पता नहीं अनिच्छा भाव से आपके सामने खड़ी थी, जाते जाते मिलने की इच्छा हुई, आपने ऐसे ही ब्लेस किया था मुझे। गुरुजी दो दिन बाद ही मेरे अंदर कैंसर का ट्यूमर था, सर्विक्स कैंसर था ग्रेड 2 का, गुरुजी वो बर्स्ट हो गया। तो मैं इतनी अच्छी से उस स्थिति से बाहर निकली हूँ, दिल से शुक्रिया गुरुजी, आपने इतने अच्छे से संभाला मुझे। गुरुजी सेवा भी जब जब की मैंने नहीं की, सब कह रही हूँ बस दृष्टा भाव से इधर कहा है ना वो देखा है, पता नहीं गुरुजी बस अब माया में नहीं फंसाना, बच्चों को बस अपने पास खींच के रखना गुरुजी। ठीक ठीक हाँ, आज भी कोई 6 या 7 लोग थे, उन्होंने बताया यहाँ कुछ हो सब प्राणायाम किया, ध्यान किया और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट दिया, इनकी कैंसर गायब हो गई। बहुत इसके डेप्थ में जाना चाहिए, आजकल बहुत ज्यादा फैले हुए कैंसर, लोगों को बताना चाहिए, गहरी सांस लो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, कितने लोगों को बेनिफिट मिले इससे। गुरुजी व्हाट इज कॉन्शियसनेस? रात भर रामायण सुनकर, सुबह कहा था राम सीता के चचेरे भाई। गुरुजी प्लीज एक्सप्लेन करो, तुम कॉन्शियस हो क्या अभी? ये बताओ तो कॉन्शियस हो कि अनकॉन्शियस हो? कॉन्शियस हो ना? हाँ। सुन रहे हो? हाँ सुन। पूछ रहे हो? पूछ रहा। कौन पूछ रहा है? शरीर पूछ रही कि या तू पूछ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ। तो तू कौन है? कौन है तुम? आकाश। वही कॉन्शियसनेस है। तुम आकाश हो इतना समझ में आ गया? हाँ गुरुजी। तेरा नाम आकाश है कि तुम आकाश हो? मेरा नाम। तुम्हारा नाम आकाश है? तेरा नाम नहीं, तेरा रूप भी आकाश है, तेरा गुण भी आकाश है, तेरे समझ में आई बात? हाँ आ रही है। आ रही है? अब कितने देर तक आएगी? समझ जाऊंगा गुरु जी। तेरा नाम आकाश है ना? हाँ नाम आकाश। अच्छा तेरा रूप भी आकाश है, ये समझ में आया? मेडिटेशन किया कि नहीं? अभी नहीं किया? किया किया। मेडिटेशन में आकाश लगता है कि नहीं? तू कोई और लगता है? थोड़ा थोड़ा लगने लगा? अभी तक नहीं लगा, शायद लगने लगे। बट मेडिटेशन करता हूँ। करते हो तो क्या होता है मेडिटेशन में? दिमाग इधर उधर जाता है। थोड़ी देर के लिए भी खाली होता है कि नहीं? हाँ होता है, क्रिया के टाइम में होता है, हो जाता है ना। हाँ, खाली। हाँ, बस बच गया मैं। अरे मेरा दिल दौड़ कर रहा था भाई। तुझको इतना मेडिटेशन सिखा के कुछ हुआ ही नहीं? थोड़ी देर के लिए खाली तो हुआ? हाँ वो जब खाली हुआ तो वो आकाश नहीं तो और क्या है? आकाशी है। आकाशी है ना? बस वही तुम हो क्या? वही तुम हो गुरु। धीरे धीरे ये निश्चय आ जाए, मैं ये विचार नहीं, शरीर नहीं हूँ, मैं ये जो खाली आकाश था मुझ में वही मैं हूँ, इसीलिए मेरा नाम भी वही रखा है। ये तुमको समझ में आ जाए बड़ा कल्याण हो जाए फिर। चलो हो गया। अच्छा थैंक यू गुरु जी। गुरु जी जय गुरु। गुरु जी यू जस्ट स्पोक अबाउट द कैंसर पेशेंट, वी हैव बीन कंडक्टिंग ब्लेसिंग कैंप्स इन मुंबई and we also go to cancer patients' home. We chant Om Namah Shivaya there after that, after the blessing camp. The energy of the camp, of the place of cancer patients' home has changed so much that it doesn't feel like it's a cancer patient home anymore now. You know, everyone is smiling. From the given up state, they all are smiling and they meet us and their reports have started coming normal and there's so much drastic changes in them. They were even there for your We Chant event. 300 of them were there. Good evening. Uh-huh. This is the first time I'm staying here. We come here often. But
Yesterday you spoke about vikalpa. What I understood from it was just the negative thinking part. I was wondering how you avoid it, because so many times, however, if you try to be too positive, it somehow feels stressful at times because you're trying too hard. Correct. You should not do that. You know, there is a book, Intimate Note to the Sincere Seeker. Yeah. I have said many things about this. Okay. Just pick it up and read.